हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 2020 में आया हुआ एक गेट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये पाइपलाइन टॉपिक पर बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन रीड करके देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर ऑपरेटिंग एट 2.5 GHz। इट टेक्स 5 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर दिया हुआ है जो ऑपरेट हो रहा है 2.5 GHz पे, और ऐसा बोला गया है कि ये 5 क्लॉक साइकिल्स ले रहा है इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये तो बात हुई नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू मेक अ 5-स्टेज पाइपलाइन आउट ऑफ दिस प्रोसेसर। अब हम यहाँ पे पाइपलाइन की बात कर रहे हैं और ऐसा बोला गया है कि इस प्रोसेसर से हम 5-स्टेज पाइपलाइन को बनाने वाले हैं। ओवरहेड्स एसोसिएटेड विद पाइपलाइनिंग फोर्स यू टू ऑपरेट द पाइपलाइन प्रोसेसर एट 2 GHz। अब यहाँ पर ये जो पाइपलाइन प्रोसेसर है ये 2 GHz पर ऑपरेट हो रहा है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ गिवन प्रोग्राम अज्यूम दैट 30% आर मेमोरी इंस्ट्रक्शन, 60% आर ALU इंस्ट्रक्शन एंड द रेस्ट आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर बाइफर्केशन कर दिया है कि जो 30% इंस्ट्रक्शन है वो हमारे मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 60% जिसमें से नहीं मतलब जो आगे का बाइफर्केशन है उस प्रोग्राम का, उसमें जो 60% है वो ALU इंस्ट्रक्शन है और बाकी बचे हुए हमारे ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। आगे देखते हैं क्या दिया है। 5% ऑफ मेमोरी इंस्ट्रक्शन कॉजेस स्टॉल्स ऑफ 50 क्लॉक साइकिल ईच ड्यू टू कैश मिसेस। यहाँ पर हमारा कैश मिस के कारण जो हमारे 30% है उसमें जो 5% है वो 50 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं। आगे देखते हैं। और 50% ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉजेस स्टॉल्स ऑफ 2 साइकिल ईच। यहाँ पर जो ब्रांच वाले हैं उसमें जो 50% है वो हमारे 2 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं। अज्यूम दैट देयर आर नो स्टॉल्स एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन ऑफ ALU इंस्ट्रक्शन। एक और चीज मेंशन है, यहाँ पर जो 60% ALU इंस्ट्रक्शंस थे उनमें कोई भी स्टॉल नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन है, फॉर दिस प्रोग्राम द स्पीड अप अचीव्ड बाय पाइपलाइंड प्रोसेसर ओवर द नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर। बस मेंशन इतना है कि 2 डेसिमल वैल्यूज में हमको इसको राउंड ऑफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी चीजें मेंशन है हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। स्पीड अप निकालना है मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइप और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइप की जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि जो नॉन पाइपलाइन है, क्वेश्चन में देखिए वो ऑपरेट हो रहा है 2.5 GHz पर, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम निकलेगा किसका, नॉन पाइप का। क्वेश्चन में दिया है वो हमारा कितना ले रहा है आगे, 5 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय हमारा जो 2.5 GHz था, तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा। इसको हम नैनो सेकेंड्स में एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके का कन्वर्जन किया है। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम निकलेगा वो हमारा 2 नैनो सेकेंड निकलेगा। ये हमने किया है इसको GHz को हमारा नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए ये तो बात हुई हमारा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइप का, ये हमको स्पीड अप निकालने में जरूरत पड़ेगी, बट उसके पहले हम पाइपलाइन का भी एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं। तो चलिए पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए एक बार क्वेश्चन में देखिए ये कितने पे काम कर रहा है। तो 3rd लाइन ऑफ द क्वेश्चन सेज कि जो हमारा पाइपलाइन प्रोसेसर है वो 2 GHz पर काम कर रहा है, और इसमें जो टोटल 100% इंस्ट्रक्शन है उसका बाइफर्केशन भी किया गया है। क्वेश्चन में देखिए 30% मेमोरी के हैं, 60% ALU के हैं और जो बचे हुए होंगे वो हमारे ब्रांच हैं। तो चलिए हम ये भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम 100% इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर यहाँ हम बाइफर्केशन कर देते हैं। इसमें मेंशनड है कि जो मेमोरी के हैं वो कितने हैं, क्वेश्चन में देखिए 30% है। फिर हमारे जो ALU इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे कितने गिवन है, ALU इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे 60% गिवन है। ये सब क्वेश्चन में मेंशनड है। और जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन वो 10% है। चलिए अब आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में मेंशनड है कि जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है उसमें जो 5% है उसमें क्या लग रहा है, स्टॉल लग रहा है। मतलब इसके
5% में हमारा स्टॉल लग रहा है. और स्टॉल जो है वो कितनी क्लॉक साइकिल्स को जनरेट कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो मेंशन है क्लियरली 50 क्लॉक साइकिल्स जो है वो कॉज हो रही हैं. तो इसके कारण जितनी क्लॉक साइकिल कॉज हो रही हैं हम वो लिख देते हैं. तो यहाँ पर 50 क्लॉक साइकिल लग रही हैं. चलिए अब क्वेश्चन में देखिए, तो मेंशन है क्लियरली लास्ट में कुछ कि हमारा जो एएलयू में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें नो स्टॉल्स एसोसिएटेड, साफ साफ लिखा है नो स्टॉल्स एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ एएलयू इंस्ट्रक्शन. मतलब ये जो हमारे एएलयू के 60% है यहाँ पर नो स्टॉल्स, कोई भी स्टॉल्स नहीं है. अब बात करते हैं ब्रांच की, तो क्वेश्चन में देखिए इसके 50% में जो 10% हमारा इंस्ट्रक्शन का ब्रांच इंस्ट्रक्शन वाला है उसके 50% में हमारा क्या है, हमारा स्टॉल्स लगेंगे. और स्टॉल्स के कारण हमारी कितनी क्लॉक साइकिल लगने वाली है, तो क्वेश्चन में देखिए क्लियरली मेंशन है इट कॉजेस टू स्टॉल्स ऑफ टू साइकिल. तो यहाँ पे हमको लिखना होगा टू क्लॉक साइकिल. ये डायग्राम आप बना लेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन टाइम निकालने में इजी रहेगा. तो चलिए अब जैसा जैसा मेंशन्ड है हम उस हिसाब से क्या निकाल लेते हैं, अब हमारे इसके जो भी स्टॉल्स आ रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये 30% है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.30. अब इसके 5% में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05%, मतलब ये हमारा 0.05 हो जाएगा. और इसमें हमारी कितनी स्टॉल्स लग रही हैं, तो 50 लग रही है, तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अब एएलयू में तो कुछ भी स्टॉल्स नहीं है तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम ब्रांच में जाएंगे और ब्रांच के 10% में, मतलब कि ये कितना बनेगा 0.10, इसके 50% में मतलब 0.50 में कितनी क्लॉक साइकिल हमारी लग रही है, 2 क्लॉक साइकिल ईच. तो इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके हमारा आएगा 0.75 और हमारा 0.10 इंटू 0.50 इंटू जो 2 है वो हमारा 0.10 बनेगा और हमारे जो नंबर ऑफ स्टॉल्स हो जाएंगे 0.85 आ जाएंगे. चलिए ये हो गया. अब एक काम करते हैं, हम एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं. तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, हमें निकालना है एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम. हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला होता है 1+ नंबर ऑफ स्टॉल्स, इसको हम साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे 1+ नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी ऑलरेडी निकाला हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साइकिल टाइम से. तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं साइकिल टाइम. अब जो भी चीजें हमने यहाँ पे निकाली हैं जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे. तो यहाँ हम 1+ नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन जस्ट अभी हमने निकाला, ये निकला है हमारा 0.85. तो यहाँ पे हम 0.85 लिख देंगे. एक और चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड है, यहाँ पर जो पाइपलाइन प्रोसेसर है थर्ड लाइन में देखिए वो 2 GHz पर ऑपरेट कर रहा है. चलिए अब एक काम करते हैं, इस 2 GHz को भी हम नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसका कन्वर्जन कैसा होगा, 1/ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1/2×10^9. तो ये हमारा नैनो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 GHz और ये हमारा बनेगा 0.5 नैनो सेकेंड. चलिए ये हो गया. बस अब एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या आएगा, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.85×0.5 नैनो सेकेंड जो कि हमारा बनेगा 0.92 नैनो सेकेंड. 925 ये 5 है नैनो सेकेंड. चलिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइप आ गया है और हमारे पास जो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम है पाइप का वो 0.925 नैनो सेकेंड आ गया है. अब हमें निकालना है स्पीड अप. तो चलिए एक बार स्पीड अप निकाल देते हैं और स्पीड अप हमारा होगा नॉन पाइप डिवाइडेड बाई एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइप. तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई
0.925, अब ये भी नैनो सेकंड में है, ये भी नैनो सेकंड में है, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.16, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर है, क्वेश्चन था हमारा, फॉर दिस प्रोग्राम द स्पीड अप अचीव्ड, सो द स्पीड अप अचीव्ड इज 2.16।